सो गाइज़, अभी मैं इस टापू पर, ये पूरे टापू पर अकेला हूँ। मेरे पास मेरा बायनोकुलर है एंड ये, ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस, जस्ट लुक एट दिस डूड, ओ माय गॉड। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला, आप लोग तो पूरा वीडियो देखो। यहाँ तक मैं कैसे आया, क्यों आया, सब कुछ पता चलेगा, पूरा वीडियो देखो आप लोग। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल, होप्स एवरीवन इज डूइंग वेल एंड फाइन। एंड आज हम सोचे हैं जाने का, किधर जाने का, सैंडिस कंपाउंड में एक वन विभाग के तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है। आज वर्ल्ड स्पैरो डे है, तो उसको लेके एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद हो सकता है बोटिंग का भी हो, तो निकलते हैं, चलते हैं एंड मिलते हैं वहीं पे। आई एम ऑन द टाइम एंड अभी तुरंत ही इवेंट शुरू हो रहा है। डीएफओ सर अभी तुरंत आए एंड अभी तुरंत इवेंट शुरू हुआ है। देने के लिए हम लोग बीएनएचएस स्टेज बना हुआ है एंड सारे लोग इस साइड बैठे हुए हैं। इनवाइट करना चाहता हूं। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मूरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मूरया। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन भागलपुर की स्पैरो डे मनाया जा रहा है एंड इस पर भी ड्राइंग कंपटीशन वगैरह कराया जा रहा है। तो अभी जो सैंडिस का योगा हॉल है वहाँ पर, मतलब जहाँ पे योगा वगैरह होता है, तो वहाँ पे अभी ड्राइंग कंपटीशन होगा एंड चलते हैं वहाँ पे। सो वी आर हेडिंग टू बोट राइड एंड अभी बोटिंग होने वाली है, बहुत मस्ती करने वाले हैं हम लोग। एंड अभी डीएफओ सर के साथ हैं एंड इधर रोहन भैया बैठे हुए हैं। शिवम भैया पहुंच रहे हैं वहीं पे जहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सो वहां चलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। सो मैं अभी इनको फिर से इंट्रोड्यूस करता हूं अपने चैनल पे। ये डीएफओ हैं भागलपुर के एंड इनका नाम भरत है। सो ये मेरे को अभी यहाँ के गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के बारे में कुछ बताएंगे, प्लीज़ सर। हाय व्यूअर्स, सो वेलकम टू विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है फ्रॉम साहिब सुल्तानगंज टू कहलगांव इन भागलपुर। ये सब पूरा भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। तो ये प्लेस एज द नेम सेज विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, गैंजेटिक डॉल्फिन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इज़ द ओनली गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन द एंटायर वर्ल्ड। तो ये उसका स्पेशलिटी है। इसमें गैंजेटिक डॉल्फिन्स ही नहीं बल्कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपके जो घरियाल्स हैं वो भी पाए जाते हैं एंड यहाँ पे आप 6 टाइप के टर्टल्स देख सकते हैं विच आर थ्रेटन्ड। एंड उसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ बर्ड्स हियर। सो दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर बर्ड्स एंड रिसेंटली इवन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स वर स्पॉटेड हियर, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड ये न्यूज़ आई थिंक पहली बार आप ही के चैनल में रिलीज हो रहा है, अब तक किसी को पता नहीं है। वाओ, नाइस, ये बहुत सही है। मतलब मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ये आ रहा है कि यहाँ पे वल्चर को देखा गया है। सो दैट इज़ ग्रेट एंड थैंक यू सर। थैंक यू। सो वी आर डिपार्टिंग एंड हम लोगों को एक बायनोकुलर भी मिल गया है जिससे हम लोग दूर दूर के पक्षी को पास से देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है लिटरली एंड सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस साइड में आपको दिखा दो, दिस इज एंड वहाँ पे सर बैठे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
बोट राइड, enjoying the boat ride. अरे मजा आ रहा है यार, तुम enjoy कर रहे हो, super enjoyment. You guys sir, enjoying it. We love it. And sir, very good. बहुत मजा आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप लोग? बताइए. वंडरफुल, बहुत मजा आ रहा है, मस्त है, मजा आ रहा है. जय गंगे, जय गंगे, नमामि गंगे. आप लोग बताइए, आप बताइए सर. एंड चचा, मजा आ रहा है भैया? अरे भाई बहुत मजा आ रहा है. सर आई वुड लाइक टू से कि ऐसे इवेंट और होने चाहिए सर. डेफिनेटली डेफिनेटली और होंगे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह के लिए भी हम लोग करवा सकते हैं ये इवेंट. तो नेक्स्ट टाइम इको क्लब के लिए प्लान करते हैं, तो आप जो है लिस्ट भी तैयार कीजिए, हमें बताइए कौन कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है. ठीक है सर. हम लोग गंगा में एक वीरान टापू पर आए हुए हैं, एंड इधर काफ़ी सारी बर्ड्स बैठी थी जिनको ये लोग कैप्चर कर रहे हैं. एंड वाओ लुक एट दिस, इतना सही लग रहा है. बिल्कुल यहाँ पे शोर नहीं मचाना है, एंड बस वो हमारी बोट है उधर, एंड यहाँ अभी पावी हो रही है. एंड हमें सख्त हिदायत दी गई है कि बिल्कुल शोर नहीं मचाना है, तो चुपचाप चुपचाप धीरे 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 चलो. तो अभी अब हम लोग ये आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं. आइलैंड नहीं मतलब बस तो आइलैंड जैसा ही है. हाँ बालू लैंड, बालू लैंड. इधर बहुत ज्यादा बालू था तो बाइनोकुलर अपना ही है क्या? हाँ हम लोग वाला है, मैम के पास था एक, मैम शायद रखी होंगी. तो अभी हम लोग इसको पीछे छोड़ के जा रहे हैं, एंड बहुत मजा आया इस पे. रील्स वगैरह शूट किए हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा. इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो अभी तक जाके कर लो, कर क्या रहे हो. एंड भैया मजा आया, बहुत मजा आया, लिटरली